हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि कोरोना के हालातों पर सरकार गंभीर नहीं है और न ही सरकार के पास किसानों के लिए वक्त है। कुमारी सैलजा ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। लोग पलायन कर रहे हैं लेकिन इस सरकार के पास इस बार भी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान ना हमारे नागरिकों के लिए, कोरोना से जूझने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, कोरोना की वैक्सीनेशन। आजकल जवान मौत भी हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं कम उम्र के लोग, लेकिन ये सरकार के पास कोई ऐसी ठोस प्लान नहीं है जो हमारे नागरिकों को, राज्य हरियाणा वासियों को ये विश्वास दिला सकें कि स्थिति उनके कंट्रोल में है या ये प्लानिंग से जूझेंगे। कृषि के मुद्दे लें, तीन काले कानून ने सरकार द्वारा बनाए गए और हमारा किसान मजदूर आज के दिन भी सड़कों पर बैठा है, उसकी सुध लेने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है।